श्री गुरु अमरदास महाराज दियां दा जीवन पढ़ो सुनो उहदे विच्चों साध संगत सीखना जरूरी है। जिन्नी देर आपां सीख नहीं रहे उन्नी देर कोई फायदा नहीं होएगा। पातशाह ने जपजी साहब अंदर बचन कहा, भाई तू भावें गाउण वाले भावें सुनण वाले, एक मनोरथ है तेरे अंदर भाव पैदा होवे, गुरु के प्रति प्रेम पैदा होवे, फिर तेनू कोई प्राप्ति होएगी। जे भाव ते प्रेम ना पैदा होया कुछ भी नहीं प्राप्त होएगा। मैं सवेरे भी बेनती कही दरबार साहब तो, जपजी साहब वे तुसी ये पढ़ते हो, गाउण वाले का उदों गाउणा सिफत सलाह की सफल है, जपण वाले का सुनण वाले का उदों सुनिया परवान है जदों सुनण वाले दे अंदर प्रेम पैदा हो जाए। जिन्हों महाराज कहने गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, पढ़ो गावीए सुनिए मन रखिए। गाउण वाला होवे सुनण वाला होवे भाव पैदा होवे, जे प्रेम नहीं पैदा हो रहा गुरु नाल तो साध संगत सारा ही समा व्यर्थ हो जाएगा, तुहाडी मनी भी वेस्ट, तुहाडा टाइम भी वेस्ट। पातशाह जे अंदर प्रेम पैदा होवे गुरु नाल फिर मिलता की है। साहब कहिंदे गावीए सुनिए पढ़ो मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। भाई उहदे दुख मिट जाणगे, वह सुख गुरु दे कोलों अपने हिरदे घर विच लै जाएगा, उहनू दुनिया के दुखां विच भी महसूस होएगा मैं बहुत सुखी हूँ, उन्हों घाटे भी ए लगेगा मैनू कोई घाटा नहीं पिया, उन्हों दुख भी ए महसूस होएगा मैं सुखी है। पातशाह कहते हैं जिदन गुरु के कोलों सुख प्राप्त होया उदन दुख विच भी तू सुख मना सीख जाएगा, फिर तेरे मन की अवस्था होएगी दुख नाही सब सुखी है रे, एक एक ही नित है, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। नहीं तो साध संगत जिहड़े बंदे जित दा जशन ढोल बजा बजा के मनाउंदे ना, वे असी जित गए, जिदन हार पल्ले पैंदी आ हार्ट अटैक नाल उह बंदिआं दी मौत हुंदी, क्योंकि जित दा जशन इन्ना गहरा डीपली लै गए, इन्नी अटैचमेंट हो गई उहनां दे मन दी, जिदन जिंदगी विच हार पल्ले पई उह बंदे हार्ट अटैक नाल मर गए। पातशाह कहिंदे ने तेरे जीवन नूं गुरु बराबर रख दिंदा, तेनू दुख होवे सुख होवे हरख होवे सोग होवे, जिदन प्रेम नाल गुरु नूं जपन लग गया तेरे उत्ते असर होना बंद हो जाए। ये नहीं कि जिंदगी च दुख नहीं आउणगे, दुख आउणगे पर तुहाडे उत्ते असर नहीं होएगा उस चीज़ का, यह नहीं कि घाटा नहीं पएगा, नाम जपन वालियां नूं भी घाटा पैंदा, बाणी पढ़न वालियां नूं भी वारी तौर पर दुख आउंदे ने, पर साध संगत दुख उहनां नूं दुखी नहीं कर सकते, क्यों? वह गुरु का उपदेश प्रेम नाल सुन के हिरदे विच वसा गए, उन्हां ते फिर लागू होना है। जे सुख देता तुझे आराधी, जे सुख मिलिया तो भी वाहेगुरु कहा, जे दुख मिलिया तो भी वाहेगुरु कहा। यह नहीं कि दुख वेले दर छड के चले गए, किसी बाबियां कोल चले गए, कितने होर पासे चले गए, धागे तवीत लैन लग पे, नहीं, अद्ध नालों वध दुनिया साध संगत लोग भरमां दे शिकार ने। हिंदुस्तान का एक बहुत वड्डा बॉलीवुड का एक्टर है, उहदा लड़का भी अगे एक्टर है, दोवें मियाँ बीबी संसद रहे ने, उहदी वाइफ भी एमपी दे अहुदे ते रही है, इन्ने अमीर इन्नी शोहरत इन्ना सब कुछ हुंदिआं बंदे गुलाम ने, ते साध संगत मानसिक तौर पर मानसिक बीमारी के गुलाम ने, जिन्हां दे अंदर भरम पैदा हो गया, उहदे मन में भरम पैदा होया, पहलों वो मन चाहे वे इको एक मेरा लड़का है, मैं उस लड़की नाल विहना जिहड़ी पूरी दुनिया तो सुंदर होवे, और पूरे वर्ल्ड विच्चों वर्ल्ड सुंदरी नाल उहदे लड़के का विआह होया। जदों उहने वर्ल्ड सुंदरी लभी, क्योंकि वह अमीर बंदा है, तो साध संगत विआह तो पहलों मानसिक रोग कित्थे जाणगे, उहने फिर किसी ब्राह्मण तो पुछ लिया, मैं टेवा कलाउणा जी, आ देखियो माड़ा जिहा शुभ दिहाड़ा। उन्हां जदों वेख्या शुभ मुहूर्त, वह कहिंदे जिहड़ी लड़की नाल तू विआह करन लगा इह मंगलीक है। अच्छा, उहनूं इन्नी शोहरत मिली, वह वर्ल्ड सुंदरी है, उहदे सिर उत्ते
हीरियां दा ताज सजिया होया, उन्हों पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया होया, पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हों सुंदर वर्ल्ड की सुंदरी कहिंदे ने, सिर ते हीरियां दा ताज है। तो एक मानसिक रोग पैदा करने वाला कह रहा मंगलीक है, कहने जी फिर कहने जे ये किसी का विआह होया उन्हें मर जाना है, वह डर गए। कहने जी फिर की होना चाहिए, कहने पहले इहदा विआह पिप्पल नाल करो, पिप्पल के दरख्त नाल। उहदा विआह पहला पिप्पल के दरख्त नाल बॉम्बे विच कीता गया, फिर उन्हें अपने लड़के नाल उहदा विआह कीता। साध संगत माफ करियो, जे वह वाकई अपशगन दोष वाली सी, वह वाकई मंगलीक सी, तो फिर पिप्पल का दरखत तो सुक जाना चाहिए सी। वह दरखत अजे भी नहीं सुकया, पिप्पल का दरखत तो सुक जाना चाहिए सी, उहदे नाल विआह होया। इन्ने लोग बहमां भरमां दे शिकार ने, गुरु कोल आके गुरु की मत सिखण दा भाव है, इत्थे सिख दे मन विच्चों गुरु भरम दूर करदे। एक चीज़ सिख दे अंदर विश्वास पैदा हुंदे, सारे दिन भले ने, कोई दिन माड़ा नहीं, कोई मुहूर्त माड़ा नहीं, जदों तुहानू रब दा नाम चेते आ जाए सब कुछ भला ही भला है। सिख दे अंदर गुरु विश्वास पैदा करदे कि महादिवस मूरत भले, महान दा अर्थ महीना, दिवस दा अर्थ दिन, मुहूर्त दा अर्थ सारे मुहूर्त चंगे ने, कोई मुहूर्त माड़ा नहीं है। पढ़ो कदों चंगे ने भी सुनो, कहिंदे महादिवस मूरत भले जिस पाओ नदर करे। एक बार पढ़ो तुहानू याद रहेगा, महादिवस मूरत भले जिस को नदर, नानक मंगे दर्स दान कृपा करो हरे। ये उपदेश आपां सुने हुण, जदों तुसी अपने बच्चे बच्ची का विआह करोगे पुछण नहीं जाओगे पंडित कोल कि मंगलीक है जी, टेवा कलाउण नहीं जाओगे जी, वेखियो माड़ा जिहा इन्हां दीआं कुंडलियां रलदियां ने, जिन्हां दीआं कुंडलियां रलियां माफ करियो, उन्हां पैसे लैके कहा कुंडियां रल गईयां ने, जे पैसे ना दिओ ते कुंडलियां रलदियां नहीं, जिन्हां दीआं कुंडलियां रलाउण वालियां ने रलाईयां उन्हां दे माफ करियो, दूजे महीने तलाक हो गए। अब बड़े अमीर बंदे ने लुधियाने, उन्हां दा साइकल एक्सपोर्ट हुंदा है, लड़के दा विआह कीता पहलां डेढ़ महीने कुंडलियां मिलाउंदे रहे, कुंडलियां मिला लईयां, वह भी सामने अमीर सी, विआह हो गया। ते सब तो वड्डा गिफ्ट उन्हीं वो नवे विआह बच्चे नू जोड़ी नू पता की दिता, स्विट्जरलैंड का वीजा लवा के टिकटां दित्तियां, वे हनीमून घूमन फिरन जाओ स्विट्जरलैंड, तुसीं हैरान होवोगे 15 दिन बाद विआहिया जोड़ा वापस आउंदा है दिल्ली तो, लड़की अपने घर ते लड़का अपने घर डिवोर्स हो गया, 6 करोड़ रुपया विआह ते लगा डिवोर्स हो गया, किधर गईयां कुंडलियां। सिख इन्हां भरमां च नहीं पैंदा, गुरु की मत सिखण आए हैं, गुरु सिख नूं यह समझाउंदा है, सिखा कोई दिन माड़ा नहीं, कोई मुहूर्त माड़ा नहीं, वो कोई भी समा माड़ा नहीं, जदों नाम चेते आ जाए सब भला ही भला है। महाराज जे रब का नाम नहीं चेते, फिर पातशाह कहिंदे दिन मुहूर्त की गल छड, वह तां रुत भी पूरी दी पूरी माड़ी है, सज्जणा जे रब का नाम ना चेते आ। इनू महाराज बचन कहते ने फिट भुलेरी नानका, भाई वह रुत जिहड़ी तेनू रब दे नाम तो तू टुट गए रुत्ती माड़ी है, इसलिए गुरु के नाम नाल जुड़ने। अज आप उपदेश सीखण आए गुरु के नाम नाल जुड़ना, रब न मिलने वास्ते बहम भरम तो मुक्त होना। श्री गुरु अमरदास महाराज गुरु बनने तो पहला 22 बार इत्थे आए। गुरु अमरदास महाराज उदो गुरु नहीं बने, 22 बार गंगा की यात्रा से तुहाडा लिखिया इतिहास कहिंदा है इस जगह पर गुरु बनन तो पहला 22 बार आए। और साध संगत जिदन श्री गुरु अमरदास महाराज गुरतक गद्दी ते विराजमान होए, जिन्नी देर गुरु नहीं बने उन्नी देर सधारण जै एक जोगी ये गल कहिंदा, गुरु अमरदास महाराज नूं बाबा अमरदास तेरे हथों प्रशादा छक के मेरा जप तां भंग हो गया, तू निगोरा है। एक सधारण जिहा नाथ जोगी कहिंदा बाबा तेरे हथों भोजन छक के मेरा जप तो भंग हो गया। जिदन बाबा अमरदास गुरु अमरदास बन गए उदन भट्ट कहिंदे आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ये सब कुछ पता क्यों होया, क्योंकि गुरु की मत ग्रहण कर ली।
इहदा मतलब 22 वार यात्रा ने कर्म नहीं बदले। जिदन गुरु धारण किया उदन कर्म तब्दील हो गए, उदन बाबा अमरदास निरंकार हो गए। 22 वार गंगा की यात्रा ने निमाणियां दे मान नहीं बनाया गुरु अमरदास महाराज नूं। जिदन गुरु वाले बन गए उदन गुरु अंगद साहब ने कहा निमाणियां दे मान गुरु अमरदास, नेताणियां दे तान गुरु अमरदास, न्योटियां दी ओट गुरु अमरदास, ने गत्तियां दी गत गुरु अमरदास, ने पत्तियां दी पत गुरु अमरदास, ने धिरियां दी धिर गुरु अमरदास। 12 बख्शिशां कीतीं। ये क्यों होईआं भाई? इहदे पिछे रीजन सुणिओ हुण। जे रब नूं मिलना है फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान है, पहली गल तैनू लाज छड्डणी पैणी है, लोक लाज। धर्म की दुनिया में सब तो पहला जिहड़ी लोक लाज है ना, वह रुकावट बनती है। अच्छा, दो चीज़ां ने इहनूं नुकता तुहाडे कम आएगा। एक लाज होनी चाहीदी है, एक लाज गवानी चाहीदी है। दो तरह की लाज है। जे आपां लाज नूं अपने शब्द च कहीए अपनी भाषा च तां शर्म, एक शर्म रखनी चाहीदी है, एक शर्म छड्डनी चाहीदी है। एक शर्म रखनी चाहीदी, जे वह शर्म गवाच जाए बंदे दा धर्म गवाच जांदा है। एक शर्म त्यागनी पैंदी है, जे वह शर्म ना त्यागे वह धर्म कमा नहीं सकदा। इहनूं फिर समझ, दो तरह की शर्म है। एक शर्म त्यागनी पैगी फिर तुसीं धर्मी होवोगे, एक शर्म रखनी पैगी फिर तुहाडा धर्म बचेगा। जे वह शर्म ना रखी तो धर्म गवाच जाना है, जे वह शर्म ना छड्डी तो धर्मी नहीं हो सकोगे। इहनूं हुण सुणियो कि जे रब नूं मिलना है पहली शर्म जिहड़ी त्यागनी है, उहनूं कहिंदे ने लोक लाज। लोकी की कहणगे, दुनिया की कहेगी, यह छड्डना पैंदा है। जे लोगों की शर्म रख ली ना फिर धर्म नहीं कमा सकते। इतिहास कहिंदा 60 साल की उम्र है, चिट्टा शमशदाड़ है, अपने धियां की उम्र नौ दे सामने हाथ जोड़ के 60 साल का बुजुर्ग खड़ा है, अपनी नौ नूं हाथ जोड़ के कहिंदा धीए मैनू भी उस गुरु कोल लै जा जिहदा तू शब्द पढ़ रही। 60 साल का बुजुर्ग है, चिट्टा दाड़ है, अपने धियां की उम्र की नौ नूं हाथ जोड़ के कहिंदा तीए मैनू भी उस गुरु को लेके जा जिस गुरु का तू शब्द पढ़िया। माफ करियो, ये लोक लाज छड्डी नहीं तो होर की है। दुनियावी तौर पर किहड़ा सोहरा आ जी जिहड़ा नौ दे अगे हथ जोड़द? असी तो नौहां विच नुक्स कढ़ने सिखे ने, भावें 15-15, 20-20 साल तुहानू रोटियां प्रशादे बना के खिलाई जाण, धी की सेवा याद है, नौहां की सेवा सानू याद नहीं रही। अपां नौहां विच नुक्स कढ़ी दे ने, पर साध संगत ये धर्म की गल है। बाबे अमरदास जी की उम्र 60 साल की है, धियां की उम्र की नौ बीबी उम्र अगे हथ जोड़ के कहते हैं, कहते धीए जेदा शब्द पढ़िया मैनू भी उस गुरु को ले जा। मन च लोक लाज नहीं रखी, मैं नौ दे सामने हथ जोड़ा, मैं नौ नूं कहां कि मैनू धर्म की गल सिखा। लोक लाज त्याग दिती। और जिदन बीबी अमरो अपने सहुरे समान सहुरे बाबे अमरदास नूं धन गुरु अंगद दे महाराज दे चरणां च लैके गए, बाबा अमरदास मत्था टेकण लई लाइन विच खलो गए। हुण सुणियो, लोक लाज त्यागनी पैंदी है जे रब नूं मिलना है। जदों कतार विच खलो गए, 5 जणे मोहरे मत्था टेकण वाले रह गए, बाबे अमरदास की वारी आ गई। उन्हां दे पिछे 20 संगत की लाइन लगी है, तख्त ते बैठे गुरु अंगद दे महाराज की नज़र पई। साढ़े कुड़म साहब लाइन विच लगे हुए ने, श्री गुरु अंगद दे महाराज तख्त तो उठ खड़े, संगत नूं रोक दिता। महाराज तुर के गए, हाथ जोड़ के कहने बाबे अमरदास नूं, कहने जी तुसी तां साढ़े कुड़म लगदे हो, लाइन विच क्यों खड़े हो? कुड़म लाइनां विच लग के कतारां विच लग के नहीं मिलते होंगे, तुसी सीधे आओ ना जे मिलना है, तुसी लाइन विच क्यों खड़े हो? बाबे अमरदास ने हाथ जोड़ के अखां भर के कहा, हे गुरु अंगद देव महाराज, कहने पातशाह अज मैं कुड़म बन के नहीं आया, जिदन कुड़म बन के आया सी उदन भतीजा व्याहुण आए सी, मैं गल लग के मिलनी भी की, अज मैं कुड़म बन के नहीं आया, अज मैं गुरु नानक दे घर का सेवक बन के आया, महाराज अज मैं कतार विच खड़ा रहन दे।
ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ MLA ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਾਓ। ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੰਦੋਏ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੰਦੋਏ 'ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਫਿਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜਮ ਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਬੁੱਝ ਗਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ 20 ਵਾਰ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 1-2 ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਆਕੜ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਤੀਜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਉਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਉਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗਾਗਰ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਕਰ ਲਉਂਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, 2-4 ਸਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $500
मैंबरशिप है, तू भी कमेटी का मैंबर बन जाए चुकी है। $500 मैंबरशिप है तो तुम हैरान होवोगे, अजे बंदा पहली दूजी चौथी वार गुरुद्वारे आया, उन्हें मंग पता की रखी, कहिंदा $500 मैंबरशिप है, ये दसो प्रधानगी दे किन्ने पैसे है, ये दसो भी प्रधानगी दे किन्ने पैसे है। जे 5000 भी देना पवे मैनू सीधा प्रधान लाओ, हुण माफ करो गुस्सा ना करो, ये सेवा है गुरु के घर विच। जदों बाबा अमरदास गुरु अंगद साहब के चरणा च आउंदे ने, यह सेवा नहीं है, एको ही सेवा झाड़ू की सेवा है। बाबा अमरदास जी कर लोगे? महाराज कर लांगा। गागर ढोण की सेवा कर लोगे? कहते महाराज सिर ते हथ रखो कर लांगा। फिर श्री गुरु अंगद देव महाराज ने कहा चलो सेवा करो, हुण लोक लाज छड़ दित्ती, कुड़मां दे घर झाड़ू फेरदे ने, लोकी गल्लां करन लग पए, वो बुढ़े वेरे बच्चे रोटी नहीं दिंदे होने कुड़मां दे बैठे, बुढ़े वेरे बच्चे घर विच पुछदे नहीं होने कुड़मां दे घर झाड़ू दिंदा, कुड़मां दे घर भांडे मांजदा, कुड़मां दे घर गागर ढोंदा। पहलां लोकी पिठ पिछे गल्लां करदे रहे, समा लंघदा गया, लोकी मूँह ते भी कहण लग पए अमरदास आ गया, लै कुड़मां दे घर झाड़ू फेरदे, कन्नां नाल सुणदे रहे, लोकां दा असर नहीं कीता, लोक लाज त्याग दित्ती। जिद्दण लोकां दी शर्म त्याग के सेवा कीती, उद्दण बाबा अमरदास गुरु अमरदास बन गए, लोकां दी लाज। इहनूं पातशाह ने बाणी अंदर कहा लोकां दी शर्म छड के सेवा करी, लोकी की कहिंदे छड दे। सुन सखीए प्रभ मिलण निशानी, रब नूं मिलण दी निशानी पढ़ो, सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, की निशानी है? कहिंदे मन तन अर्प तज लाज लोकानी, लोकां दी लाज छड़ दे, जे रब नूं मिलना फिर सेवा कर। सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी। एक बार पढ़ो, पंक्ति सौखी है, तुहानू याद रहेगी। ये लाज छड़नी है वे लोकी की कहणगे। मैं सरपंची दे अहुदे ते बैठे बंदे जोड़े झाड़ दे वेखे ने, मैं MLA बने हुए बंदे भेख बदल के जोड़े साफ करदे वेखे ने, जिन्हां दे अंदर भावना है। ये नहीं मैं सारे बंदे माड़े हुंदे ने, जिन्हां दे अंदर प्रेम है उन्हीं लोकां दी लाज नहीं रखी, उन्हूं फिर वड्याई भी बहुत मिली है। पढ़ो एक बार प्यार नाल, सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखीए, सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखीए, सुन सखीए प्रभ मिल गज के, सुन सखीए प्रभ मिलन मन तन अर्प तज लाज लोकानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी, मन तन अर्प तज। सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखीए, सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखीए, सुन सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखीए प्रभ। आखो वाहिगुरु, फिर आखो जी सतनाम श्री। पहली शर्म छड़नी है लोकां दी लाज, लोकी जो मर्जी कहण सेवा करनी ना छड़ी, लोकी जो मर्जी कहण झाड़ू फेरना ना छड़ी, वो लोकी जो मर्जी कहण जोड़े झाड़ने ना छड़ी, ये सेवा ने तेरा लोक सुखी परलोक सुहिला करना। दूजी शर्म वो है जिहड़ी रखनी है,
वह पता की है, जिन्हें धर्मी बनना है, जिन्हें धर्म पालना है, उन्हें अखां की शर्म रखनी पैंदी है। धर्मी बंदे दे अखां विच शर्म है, वह साध संगत गल्लां दी नहीं भी लोकी कहण तां फिर शर्म आउंदी है, वह लोगों तो अखां की शर्म रखदा है, गलत कर्म तो अपने आप को बचाउंदा है, वह संसार विच अखां की शर्म रखदा है। जिहड़े बंदे अंदर धर्म की यह अखां की शर्म ना रहे, वह धर्म भी नहीं रहिंदा उहदा। इसलिए जिन्हें नाम जपना उहनू इहनां अखां ते भी कंट्रोल रखना पैंदा है। पराए तन ते पराए धन उत्ते मैली नज़र रखोगे तुहाडा जप नहीं चलना, जो मर्जी बाणी पढ़ी जाओ। अखां की शर्म होनी चाहिए है, जे इन्हां अखां की शर्म खत्म हो गई धर्म भी खत्म हो जाता है। इसलिए पातशाह कहिंदे ने शर्म धर्म दोए छप खलोए, यह नहीं कहा भी धर्म ते शर्म, पहला शर्म कह कहिंदे शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बे लालो। भाई उहदे अंदर कूड़ बढ़ जाता है, जिहड़ा बंदा शर्म गवा लै, पहला अखां की शर्म गवाचदी है, फिर दूजे के धन नूं लुट लैंदा है, दूजे दी चीज़ां ते कब्जा करता है। पहला अखां दी वेखण दी शर्म खत्म हुंदी है, फिर बंदे दा मन ते तन विकारी हो जांदा है। इसलिए लोकां दी इह शर्म रखनी है कि लोकी मैनू माड़े कर्म बारे, मैं गुरु दा भेख धारण कीता है, लोकी इह ना कहण गुरु दा बाणा पा के की करदा है, इह शर्म होनी चाहीदी। एक नुकता मैं तुहाडे समक्ष रखा, साढ़े नाल तीन कीर्तनी जथे किसी कीर्तन समागम ते कट्ठे चले, जदों असी इस राह उत्ते तुरे ना बहुत कुछ तुहानू सिखण नू मिलदा जे सिखना हो। वह कीर्तनी जथे बजुर्ग सी, पुराने सी, मैं उन्हां विच नवां सी, तां साध संगत दो गड्डियां कीतियां होईयां, असी फिरोजपुर कीर्तन दरबार ते कट्ठे लुधियाने तुरे, जिहड़ा तपला बजाउण वाले हुंदे ना कीर्तन दे नाल तबले वाले, तुहानू पता हो चमड़े का तबला हुंदा है, ते बजाउण वाले की कई बार इत्थों उंगली जिहड़ी है वह जख्मी हो जाती है, थोड़ी फट जाती, तो वह तबला बजाउण वाले ने कहा कहना कोई मेडिकल स्टोर वेख्यो, मैं बेंडड लैनी है जिहड़ी हथ ते उंगली ते लाई दी। कहना जे कदे मेडिकल स्टोर होया रोकियो। अच्छा, वो ड्राइवर ने ध्यान दिता, सामने लाल अखरां च लिखिया होया दवाइया मेडिकल स्टोर, उन्हें गड्डी रोक ली। गड्डी रोकी तो तबला बजाउण वाला एकदम गड्डी च उतर के भज के मेडिकल स्टोर ते बेंडर लैन चला लग्या। वो दो रुपए की आनी सी, उन्हें पाँच दस रुपए दियाँ पाँच चार लैनिया। इन्ने नूं एक बजुर्ग कीर्तनीए की नज़र पई, मेडिकल स्टोर के नाल असी वेख्या नहीं, लाल अखरां च लिखिया होया सी ठेका शराब देसी वीर अंग्रेजी, इदा कुछ लिखिया सी ठेका शराब देसी। वह बजुर्ग कीर्तनी है ड्राइवर को कहना गड्डी तुर अगे चल, कहना जी वो आ रहा, कहना वो आपे तुर के आ जाऊगा। गड्डी तोरी तो दस भी दुकाना अगे जाके खिलारती, वह बेचारा भज के गया, उन्होंने तो एक मिनट भी नहीं लगा, उन्हें बेंडड दियाँ दो तीन पट्टियां लिया, जदों वापस आया गड्डी उत्थे है नहीं, उन्होंने तुर के आना पाया, गर्मी के दिन सी, तो गड्डी विच बह के औखा होके बोलिया कहना तुसी मिनट भी नहीं रुके, एक मैनू इन्ना गर्मी च तुरना पाया, दस भी दुकाना अगे आना पाया, गड्डी क्यों तोर ली। तो बजुर्ग कीर्तनी ने कहा सज्जना तैनू पता है मेडिकल स्टोर के नाल शराब का ठेका सी, किसी बंदे ने यह नहीं सी कहना, इन मेडिकल स्टोर तो कोई दवाई ली है, जदों चिट्टे कपड़े वेखने से कहना वो बाबियां की गड्डी खड़ी है, लगता बोतलां लईयां ने। साध संगत लाज रखनी पैंदी है, एक काम के मुताबिक बाणे के मुताबिक शर्म रखनी पैंदी है। लोकी किते ये ना कहन बाबियां दी गड्डी ठेके मुरे खड़ी सी। जेड़े बंदे नूं जिम्मेवारी मिल जाए, कोई धर्म का आगू बन जाए, उन्हूं लोकां दी शर्म भी रखनी पैंदी है। जिन्नी देर आम बंदा है वह ताश वालियां कोल बह के ताश भी खेडदा है, जिद्दण जिम्मेवारी मिल जाए उन्हूं शर्म रखनी पैंदी है। आम बंदा पिंड दा होवे ताश दी ढाणी च बह सकदा है, जिद्दण पिंड वाले चुन के पंच बना देण, चुने हुए पंच नूं ताश खेडण वालियां च नहीं बहना चाहिए। आम बंदा बह के किसे कोल खा पी लवे गल्लां करे ढाणियां च बैठे शराब पीवे अलग गल है, जदों पिंड दे पंजाह बंदे चुन के किसे नूं पंच बना देण वो फिर ढाणियां च नहीं बहिंदा। पता क्यों? उहदी जिम्मेवारी वध गई। उहने कल नूं लोकां दे फैसले कराउणे ने,
जे वह बंदा ताश खेडन वाले च बैठेगा कल फैसला नहीं करा सकेगा, वो मुँह तो लोग कह बैजा राम ना तू तो खुद ताश खेडना, तू खुद साढ़े ना शराब पीना। जदों जिम्मेवारी मिल जाए फिर शर्म रखनी पैंदी है। जेडे बंदे च शर्म ना रवे धर्म की दुनिया चो धर्म गवा लैंदा है। इसलिए एक शर्म रखनी पैंदी, शर्म धर्म दोए छप खलोए कोड फिर प्रधान वे लालो। अखां दी शर्म गवानी नहीं चाहिए, दूजी लाज छड़नी चाहिए है। सेवा करदे आ लोकी जो मर्जी कहण फिर नहीं कोई परवाह। सुन सखीए प्रभ मिलन शरणी मन तन अर्पता ज लाज लोकन। बाबे अमरदास नूं लोकी मिणे मारदे रहे, पहला पिठ पिछे कहिंदे रहे, जदों लंबा समा हो गया मूँह ते वी कहण लग पए। आ कुड़मा दे घर बैठा दो रोटियां लई ले, कुड़मा दे घर झाड़ू फेरद, वह कुड़मा दे जूठे भांडे मांजद, अपने कुड़म का इशनान कराने पानी भर भर के लियाद। लोग मूँह ते कहिंदे रहे पर बाबे अमरदास ते असर ना होया, मन अर्पण करके सेवा की। फिर बाणी पढ़ के वेख्यो, गुरु अमरदास महाराज नूं निरंकार कहा भट्टा ने, रब का रूप कहता। और बाबे सत्ते बलवंड ने कहा बड़े बड़े चखड़ झुल गए नेरियां तूफान आए, बाबा अमरदास समेर पर्वत की तरह खड़े रहे। सात संगत जदों नेरी चखड़ आउंदे ने कई बार बिल्डिंगा भी डिग पैंदियां ने, जदों नेरी चखड़ तूफान आउंदे ने कई बार घर भी उजड़ जांदे, छत्तां उड़ जांदियां, बिल्डिंगा डिग पैंदियां ने। पर सज्जनों किन्ना भी तेज तूफान चल जाए समेर पर्वत नहीं कदे हिलदा। ते बाबे सत्ते बलवंड ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कहा गुरु अमरदास समेर पर्वत दी तरह खड़े रहे, बड़े बड़े नेरियां चखड़ तूफान आए, लोगों ने मेहनियां दा चखड़ चला दिता पर गुरु अमरदास ते असर नहीं होया, वह समेर पर्वत दी तरह खड़े रहे। इसलिए बाबा अमरदास गुरु अमरदास बन गए। बचन पढ़ो, बाबा सत्ता बलवंड लिखते कहिंदे चखड़ वाओ ना डोलई, चखड़ वाओ ना डोलई पर्वत मेरान। गुरु अमरदास महाराज पर्वत की तरह खड़े रहे, लोग जिन्ने मर्जी मेहने मारन पर बाबे अमरदास ने सेवा नहीं छड़ी। एक दिन वक्त आ गया सेवा सिमरन करद्या बाबे अमरदास की रसना ते गुरु नानक वस गए। किदन पता लगा खडूर साहब के लोगों को, कदों पता लगा खडूर के लोगों को बाबा अमरदास रब हो गया। वह बाबे अमरदास की जुबान ते गुरु नानक बह गए ने। जिदन अमृत वेले सवेरे तेज हवावां बगदियां ने, गागर चुकी हुई है सेवा लेके आ रहे ने, तेज हवा हनेरे विच नज़र ना पिया पैर उखड़ गया, खड्डी च पैर वजदियां डिग पए, पित्तल दी गागड़ थल्ले डिगी, खड़ाक होया पर पानी नहीं डुलन दिता। अंदरों आवाज आई, एक बंदा बोलदा अपने घरवाली नूं आ बाहर कौन है, ते साह संगत उहदे घरवाली जुलाए दे घरवाली बोली कहिंदी जी पै जाओ राम ना, गुरु अंगद देव दा कुड़म होणा है, अमरू निथामा है, जिहड़ा दो रोटियां ले बुढ़ी उम्र विच वी इन्हां दे घर गागरां ढोंदा है। जदों कहा ना अमरू निथामा है, एक विद्वान लिखता है कहिंदे उहदी जबान तो निकलिया जे अमरू बेनवा होगा ना कबहू चैन धरता है, बेगारा हो तो ऐसा हो ये बिना किसी काम तो विगार भरी जांदा है। जदों कन्ना च आवाज पई ना अमरू निथामा अमरू बेनवा, एकदम मन च रोस आया, हुण तां 12 साल हो गए गागर ढोंदे, हुण मैं निगुरा थोड़ी है, हुण तो मैं थां वाला हो गया। वह 12 साल पहलां किसे नाथ जोगी सन्यासी ने कहा सी तू निगुरा है, हुण तो 12 साल हो गए, हुण तो थां वाला हो गया। मन च रोस भरिया, अंदरों आवाज आई एक गल कही, क्या भक्ति है कमली गुरु की शान में। अंदरों एक कुछ निकले, ये क्या भक्ति है कमली गुरु की शान में, उसी वक्त हो गई पागल, इशारा हो तो ऐसा हो, जबान तो कमली कहण की देर सी जलाए दे घर वाली कमली हो गई। दिन चलिया रौला पै गया, कहिंदे उहदा दिमाग पागल हो गया। उहदे घर वाले ने कहा इन्हें सवेरे बाबे अमरदास की निंदा की तां होया, कट्ठे होके गुरु अंगद देव महाराज के चरणा च लै आए, मत्था टेकिया महाराज वह तुहाडा कुड़म जिहड़ा गागर ढोंदा है, बाबे अमरदास साडे घर मोहरे डिग पिया,
इतों कुछ कह हो गया, उन्हें पता नहीं मोहरों की कहा, मेरे घर वाली पागल हो गई। महाराज बच्चे छोटे छोटे ने भला करो। श्री गुरु अंगद देव महाराज ने धन बाबा अमरदास साहब नूं बुलाया, 72 साल की उम्र हो गई उस बाबे अमरदास की, 72 साल की उम्र, धन बाबा अमरदास बिरध शरीर आ गए। तो गुरु अंगद साहब बोले, कहने बाबा अमरदास आ बेचारी नूं की कह दिता, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं की कहना, मैं तो डिग पिया सी सवेरे, मर मैं तो इन्ना कहा मेरे गुरु की शान विच क्यों बोलदी है कमलीए, हुण तां मैं थां वाला हो गया पातशाह, मैं की कहना, मैं तो डिग पिया सी। श्री गुरु अंगद देव महाराज तखत तो उठे, अखां दे हंजू वेख के बाबे अमरदास दे हंजू साफ किते, घुट के गल नाल ला के एक गल कही, बाबा अमरदास अज तो बाद संजीदगी नाल बोलिया करो, तुहाडी रसना ते गुरु नानक वस गए ने। बाबा अमरदास अज तो बाद संजीदगी नाल बोलिया करो, तुहाडी रसना ते गुरु नानक दा वासा हो गया। ते धन गुरु अंगद देव महाराज बोले, कहिंदे बाबा अमरदास मैं 12 सालों तो उड़ीक कर रहा सी, अमरदास इन्ना कुछ लेके डिगे, उदन अमरदास नूं चुक के तखत दा मालक बना दा। उदने ही पातशाह ने कहा, बाबा बुढ़ा साहब बाबे अमरदास साहब दा इशनान कराओ। अपना चोला गुरु अंगद देव महाराज ने दिता, ये चोला बाबे अमरदास नूं पहना के लेके आओ। धन गुरु अमरदास महाराज 72 साल की उम्र में श्री गुरु अंगद देव महाराज का चोला पवा के तख सिंघासन ते बिठाया। उदन पट हथ जोड़ के कहन लग पे, आप नारायण कला तहार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। उदन पट्टा ने कहा, असी लभदे कसाल लभदे रहे, सानू रब नहीं लभ्या, जे लभ्या तां गुरु अमरदास विचों लभ्या। रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी है मुखों ए पंडित मिठे, वर्ष एक हो फिरियो किने ने परचो लायो, कहते हो कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। अज जदों रब लभ्या ते गुरु अमरदास साहब चो लभ्या, ते साध संगत तख सिंघासन दे मालक बनाए। उदन गुरु अंगद देव महाराज बोले, निमाणिया दे माण गुरु अमरदास, बोलो नितानिया दे तान गुरु अमरदास, निओटिया दी ओट गुरु अमरदास, निगत्तिया दी गत गुरु अमरदास, ने पत्तिया दी पत गुरु अमरदास, ने थामिया दे थां गुरु अमरदास, ने तिरिया दी तिर गुरु अमरदास। ओए जेदा कोई ना होवे उहदा गुरु अमरदास। इन्नियां वड्डियां 12 बख्शिशां गुरु अंगद देव महाराज ने कीतियां। ते साध संगत इतिहास पढ़ के वेख्यो, जिहदा कोई भी ना होवे ना, सचमुच उहदा गुरु अमरदास है। कोई अंदरों भावना नाल जाके वेखे, जिहदा कोई नहीं उहदा गुरु अमरदास बन जांदा है। इतिहास पढ़ो, श्री गुरु अमरदास महाराज के चरणों में भैरोवाल धर्मशाला तो एक कौड़ी नूं लिआंदा संगत ने। जदों कौड़ी नूं लिआंदा ना, वह कौड़ी की नीड पता की है, लोड़ पता की है, दो वक्त की रोटी। उन्हें संगत नूं कहा, तुसी मेरी इन्नी सेवा की है, तुसी कित्थे चले हो? लाहौर की संगत ने कहा, असी गोइंदवाल साहब चले हैं। कहने अच्छा, गोइंदवाल साहब रोटी मिल जाती दो वक्त, गोइंदवाल साहब प्रशादा मिल जाता है? एक सिख ने कहा, वह कौड़िया गोइंदवाल साहब कला प्रशादा नहीं मिलता, गोइंदवाल साहब जाके तो गुरप्रसाद भी मिलता है। गोइंदवाल साहब कला प्रशादा नहीं, गोइंदवाल साहब जाके गुरु का प्रसाद भी मिलता है। कौड़िया कला रोटी ना मंगोए, जे तू गुरु को मंग लें तेरा कोड़ भी हट सकता है। उहदे अंदर भावना पैदा हुई, वह प्रेमे कौड़ी नूं संगत लैके गोइंदवाल साहब आ गई। श्री गुरु अमरदास महाराज के लंगर संगत ने उन्हें प्रशादा छकाया। जदों इदां दीवान हाल में आए ना, सेवादार ने बाहर रोक दिता, भाई तेरे तो बदबू आउंदी है, तेरे कपड़िया चो कोड़ का मुश्क आउंदा है, तेरा शरीर फोड़िया नाल फिंसियां नाल गलिया पिया है, इत्थे बह जा, दर्शन ही करने ने, जदों गुरु अमरदास महाराज आउणगे तैनूं दर्शन करा दांगे। कहिंदे ने उह बह गया। भाई संतोख सिंह लिखदे, कहिंदे अज गुरु अमरदास महाराज ने रस्ता बदल लिया, कौड़ी नूं दर्शन ना दित्ते। सारा दीवान समाप्त होया, पातशाह पिछों आए ते पिछे चले गए।
सेवादार ने मेहना मार के कहो कोड़िया तेरे भाग माड़े होए, अज गुरु अमरदास महाराज उधरों आए तो उधर ही चले गए। एक सिख ने कहा कोई गल नहीं, कल फिर दीवान सजने ने तू लंगर छक रह इत्थे, वो कोड़ी ने प्रशादा छकया, एक दिन रहा, अगले दिन फिर दरवाजे च बह गया। गुरु अमरदास महाराज ने अज फिर रस्ता बदल लिया, तीन दिन गुरु अमरदास महाराज ने दर्शन नहीं दिते, ते सेवादार ने मेहना मारिया कोड़िया पता नहीं किदां दे कर्म कीते तू ओए, ओ कोड़िया तेरे कर्म पता नहीं किदां दे ने, तेनू तीन दिन हो गए गुरु अमरदास महाराज दर्शन नहीं दिंदे, पता नहीं तेरे कर्म किन्ने क माड़े ने। अंदरों तीर वज्जिया, बोलां दा मेहना वज्जिया, मन भर के रो पिया, फुट फुट के रो के अखां तो तुर पिया कोड़ी। एक गल कहिंदा, हे गुरु अमरदास सुनिया सी जिहदा कोई ना होवे उहदा गुरु अमरदास हुंदा है, मैनू तां तूं वी थां नहीं दित्ती। इन्नी क गल कह के कोड़ी तुर पिया, मिठा जिहा मेहना मार के दस क कदम तुरिया, कहिंदे इन्ने नूं पिछों किसी ने आवाज़ मारी, ओ भाई प्रेमिया रुक जा बई। जदों कोड़ी ने पिछा परत के वेख्या ना, ते साध संगत बिरद शरीर चिट्टा शमश दाड़ा, धन गुरु अमरदास महाराज नाल बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास साहब गुरु दे सिख भाई बैलो, वो कट्ठे पातशाह दे नाल तुरे। हजूर ने आवाज दे के कहा भाई रुक जा, कित्थे चलना है? पिछा परत के तहां मार के रो पिया, कहना महाराज मेरे कर्म माड़े ने, तीन दिन हो गए तुसी मैनू दर्शन नहीं दिते। श्री गुरु अमरदास महाराज बोले, कहिंदे ओ 30 साल हो चले तैनू डीकदे आ, तू तिना दिनां विच रुस के तुर पे, 30 साल हो चले ने तैनू डीकदे आ, तू तिना दिनां विच ही रुस गया, चरनी ढह पिया पातशाह मैनू नहीं पता। श्री गुरु अमरदास महाराज बोले, कहिंदे जदों तो तेरा जन्म होया, तेरा संजोग गुरु नानक दे घर नाल सिक्खी दा लिखिया होया, कहिंदे कित्थे मुड़ चले है, तिना दिनां विच ही उदास हो गया। उहदे हंझू ना रुकण तहां मार के रो पिया। पातशाह ने कहा बाबा बुढ़ा साहब बौली साहब तो जल लैके आओ। बौली साहब का जल लिया, वो कोड़ी का इशनान कराया, उन्हूं नाल नाल जपाया बोल सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। पातशाह ने कहा बाबा बुढ़ा साहब लगातार प्रेमे कोड़ी का इशनान कराओ। बौली दे जल नाल रोज़ वह इशनान कराते रहे, रोज़ वो शरीर के कपड़े बदलते रहे, अज होर कल होर दसां नूं होर वीहां नूं होर कोड़ी बंदे का शरीर कंचन वर्गा नरुआ निकल आया। जदों कोड़ी तंदुरुस्त हो गया सेवा करन लग पिया, वह नौजवान सेवा करन लग पिया, कदे लंगर में सेवा करे कदे तप्पड़ झाड़े, एक साल उन्हूं सेवा करदिया हो गया। फिर इतिहास कहिंदा एक दिन गुरु अमरदास महाराज ने कोल सद के कहा, कहिंदे प्रेमिया तेरी सेवा परवान है, हुण तेरी शादी कर दईए। हाथ जोड़ के चरना चुक गया, महाराज जिवें तुहाड़ा हुक्म है। पातशाह ने भरे दीवान विच आवाज दे के कहा, भाई आ नौजवान लड़के की असी शादी करनी है, किसी की बच्ची विआहण दे योग होवे रिश्ता करो भाई। कोई भी नहीं उठा। फिर आवाज दित्ती, भाई किसी की बच्ची विआहण दे योग है, आ असी नौजवान की शादी करनी है भाई रिश्ता करो। जदों तीन बार कहते कोई ना उठा, फिर सब तो पिछों एक गरीब जिहा बंदा उठ के आया, उहदे कपड़े मैले ने, मोढ़े ते मैला जिहा परना धरिया, उहने हथ जोड़ के अगे आके कहा महाराज मेरी बच्ची विआहण दे योग है, मैं इहदे नाल शादी करन लई तैयार हाँ, पर पातशाह मैं झूठ बोल के रिश्ता नहीं करना, एक गल सच दसनी है। पातशाह कहिंदे भाई दस। वह बोलिया गुरु अमरदास महाराज नूं, कहिंदा सच्चे पातशाह मेरी बच्ची ना जन्म तो थोड़ी जी घट मत वाली है, महाराज उहनूं थोड़ी जी अकल घट है, उदां रोटी प्रशादा बना लैंदी है, झाड़ू पोचा कम उहनूं सारे आउंदे ने, पर थोड़ी जी अकल घट है, उन्हों मोटी मत करके मथो मथो सब कहिंदे ने, पर पातशाह मेरी तां धी है, मैं किते तां विआहुणी है, जे तुसी नज़र करो तां इहदे नाल शादी कर दई है। श्री गुरु अमरदास महाराज प्यार विच बोले, कहिंदे साध शाबाश शाबाश भाई तू सच बोले है। साध संगत ये तुसी भी याद रखियो, मैं पिछले साल भी बेनती की सी, रिश्ता करन लग्यां कदे झूठ ना बोलो, क्यों
ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ। 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੱਦਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। 24-24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਲੋ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ PR ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਐਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੋਂ ਕਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਥੋਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਵਾਰ ਦੱਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ, ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਬਈ,
तेरी शादी करनी है, लड़की वाले पुछते ने तेरा पिंड पता मां प्यो घर बार दस की है। वो रोन लग पिया। श्री गुरु अमरदास महाराज तख्त उठ के खड़े हो गए, कहते रो क्यों रहे है? कहना महाराज जे कोई घर बार मां प्यो हुंदा ते मैं कदों दा तुहानू दस दिंदा, पातशाह कोड़ी जान के पतो नहीं कदों दा मैनू घरों कढ़िया होया, ना मेरा कोई मां प्यो ना घर बार ना कोई पिंड पता, महाराज मेरा है ही कोई नहीं, मैं दसा की। श्री गुरु अमरदास महाराज ने रोंदिया वेख्या ना प्रेमे नू, ते पातशाह ने घुट के बाह तो पकड़ के कलावे विच लैके गल नाल ला लिया, उहदे हंझू पुंजे। जदों उन्हें कहा महाराज मेरा तुहाडे तो सिवाए कोई नहीं, ना मेरा मां प्यो ना पिंड पता ना कोई घरवार, मैं की दसा। श्री गुरु अमरदास महाराज बोले, कहने भाई गल सुनो बई लड़की वाले नू, कहने भाई गल सुनो, प्रेमे दा पिंड पता मां प्यो घरवार चाहिए। कहने सुनो, अज तो बाद प्रेमे दा घरवार पिंड पता मां प्यो पुछना है। अज तो बाद प्रेमे दी मां भी गुरु अमरदास, प्यो भी गुरु अमरदास, घर भी गुरु अमरदास, बार भी गुरु अमरदास, पिंड ते पता भी गुरु अमरदास, दसो शादी करनी है कि नहीं करनी। जदों गुरु अमरदास महाराज ने इन्नी जिम्मेवारी लई ना, कहने प्रेमे दी मां भी गुरु अमरदास, प्यो भी गुरु अमरदास, घर भी गुरु अमरदास, बार भी गुरु अमरदास, पिंड भी गुरु अमरदास, पता भी गुरु अमरदास, दसो भाई शादी करनी है। वो चरना चुक गए महाराज। फिर महाराज साडी धी का भी सब कुछ तुसी हो। पातशाह ने वो बच्ची दे सिर ते हथ रखिया। उस वक्त कहा बाबा बुढ़ा साहब सगन पाओ ते शादी का दिन निश्चित करो। बाबा बुढ़ा साहब ने अरदास की, सगन पाया, दोवां बच्चियां नूं प्यार दिता, उत्तों दूजे दिन शादी रख दिती, दोवां दी आनंद कारज शादी होई। ते जदों पातशाह ने संगत विच विआह कीता ना, धन गुरु अमरदास महाराज ने उदन दोवां दे सिर ते हथ रख के कहा, लै भाई तैनू लोकी कोड़ी कहिंदे सी, तू गुरु दे घर दा शिंगार बन गए, लै धीए तैनू लोकी मोटी मत वाली कहिंदे सी, जा तू गुरु दे घर दी सोभा बन गई। पातशाह ने बचन दे के कहा, आ मथो आ मुरारी, आ मथो आ मुरारी, तीन वार कह के हजूर ने बचन कहे, लै धीए जेडे लोकी कहिंदे सी मथो नू अकल घट है, एक दिन वक्त आउणा है धीए तेरे कोलों लोकी अकल सिख के अपना जन्म सफल करनगे। जा धीए तेरी जबान तो निकले बोल सुन के लोकी अपना जन्म सफल करनगे। पातशाह ने इन्नी बख्शिश की, नाल इशारा किया भैरोवाल चले जाओ, उत्थे बह के सिखी का प्रचार करो, वक्त आएगा तुहाडी कुल पीढ़ी की वड्याई गुरु रामदास साहब के घर च वधेगी। वो उन्होंने वंश वधी, गुरु अर्जन देव महाराज के वेले उन्होंने पोतरे होए, दसवें पातशाह तक उन्होंने सिखी चली। श्री गुरु अमरदास महाराज ने पहली प्रचारक पीढ़ा ते मंजी मथो ते मुरारी दे नाम दिती। सिख कौम च जे पहली प्रचारक थापी ना, वह गुरु अमरदास महाराज ने मथो नूं जिम्मेवारी दिती। जे पहला प्रचारक बाई मंजियां चो थापिया मुरारी नूं दित्ता, जिहड़ा प्रेमा कोड़ी सी, जिहदा कोई ना होवे उहदा गुरु अमरदास। निमाणियां दे माण गुरु अमरदास, न्योटियां दी ओट गुरु अमरदास, पर शर्त इक है, कोई गुरु अमरदास साहब के चरणों च झुक जाए लाज छड़ के। अकड़ नहीं गुरु नूं प्रवान, लिख के पातशाह ने दिता है कि गुर के ग्रह सेवक जो रहे, पढ़ो गुर के ग्रह सेवक जो, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद मन बेचे, सतगुर के पास तिस सेवक के कारज, सेवा करत हुए ने कमी तिस का होत परापत। फिर गुरु अमरदास महाराज ने लिखा, सुनो भाई सेवा किवें करनी महाराज, किवें? कहिंदे हस्ती सिर ज्यो अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन अग राख के
ਉਪੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਪੜੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਥਿਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ। ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਐਸੋ ਹਰ ਥਿਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ।